नमस्कार, सच कहूं हिंदी न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरों पर। जम्मू में पाकिस्तान की तरफ से फिर हुई फायरिंग, बीएसएफ जवान की मौत, 3 हफ्ते में तीसरी बार सीज फायर की उल्लंघन। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर रात 12:20 पर हुई थी फायरिंग। मणिपुर में महिला समेत 2 लोगों की हत्या, सिर पर गोली लगने के मिले निशान। मणिपुर के इम्फाल में पुलिस ने बरामद किए 2 शव, इनमें से 1 शव महिला का, दोनों शवों की नहीं हो सकी अभी तक कोई शिनाख्त। मानव तस्करी मामलों में 10 राज्यों में 44 लोग गिरफ्तार, एनआईए ने की छापेमारी। बांग्लादेश से घुसपैठियों को भारत में बसाने का आरोप, एनआईए की तलाशी में फोन, सिम व भारी मात्रा में कैश बरामद। दिल्ली में प्रदूषण के चलते ओला उबर टैक्सियों की एंट्री पर लगाई गई रोक, 1 हफ्ते तक जहरीली हवा से नहीं मिलेगी राहत। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को लेकर 18 नवंबर तक स्कूलों में सर्दी की छुट्टियों का किया ऐलान। 23 साल पुराने मामले में कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला को सुप्रीम कोर्ट से राहत, 5 हफ्ते तक गिरफ्तारी नहीं होगी। कोर्ट ने सुरजेवाला को वारंट को रद्द कराने के लिए वाराणसी कोर्ट में आवेदन करने के लिए 4 हफ्तों का दिया समय। पराली जलाने पर सख्त हुई हरियाणा सरकार, 44 जगहों पर फायर ब्रिगेड भेजकर बुझाई आग। पुलिस ने 72 किसानों पर दर्ज किए मामले, जबकि 32 लाख रुपए वसूला जुर्माना। सरकार ने किसानों से पराली न जलाने की अपील। हरियाणा में 11,990 पदों पर भर्ती की तैयारी, HSSC ने हाई कोर्ट में 9 ग्रुपों के एग्जाम की मांगेगा अनुमति। आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह कादरी ने कहा युवाओं को जल्द मिलेगा फायदा। दिवाली पर रिलीज होगा सिद्धू मूसेवाले का गीत, मां चरण कौर ने सोशल मीडिया पर जारी किया पोस्टर, बोली आ गया मेरा बब्बर शेर। गीत को लेकर फैंस में दिखाई दे रही खुशी की लहर। पंजाब में 16 नवंबर को छुट्टी का ऐलान, करतार सिंह सराभा के शहीदी दिवस को लेकर सीएम भगवंत मान ने लिया फैसला, सरकारी ऑफिस और शैक्षणिक संस्थान रहेंगे बंद। पंजाब में रूटीन में चलेंगी रोडवेज की बसें, कर्मियों के वेतन में 5% बढ़ोतरी के बाद PRTC पनबस कॉन्ट्रैक्ट यूनियन ने की हड़ताल खत्म, यात्रियों ने ली राहत की सांस। सच कहूं न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सच कहूं हिंदी चैनल।